अफगानिस्तान पर कब्जा भले ही तालिबान ने किया हो, लेकिन उस पर हुकूमत का सपना पाकिस्तान देख रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए भले ही काबुल में तालिबान के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा लगा हो, लेकिन काबुल में सुरक्षा की लगाम पाकिस्तान के हाथ में। अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही दुनिया भर ने यह आशंका जताई थी कि अब अफगान की धरती आतंकियों की पनाहगाह बन जाएगी। अफीम उगलने वाली अफगानी धरती से अब आतंकियों की नई नस्ल पैदा होगी, ये आशंका, ये डर अब सही साबित हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है ये शख्स, खलील उल रहमान हक्कानी। हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख कमांडर, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। दशकों तक अमेरिका को जिस खूंखार आतंकी की तलाश रही, वो अब काबुल की सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है। खलील उल रहमान हक्कानी के सिर पर अमेरिका ने $5 मिलियन यानी करीब 37 करोड़ 15 लाख रुपए का इनाम रखा है। ये अमेरिका की कैसी बेबसी है कि उसका बड़ा दुश्मन आज उसकी आंखों के सामने खुलेआम घूम रहा है और अमेरिका देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। तालिबान के साथ अमेरिका की ये कैसी डील है जो उसके 3,000 नागरिकों की मौत का बदला लेने से रोक रही है। न्यूयॉर्क में 9/11 अटैक के बाद जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की तलाश शुरू की और अफगानिस्तान की तोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपे ओसामा का पता लगा लिया, तब ओसामा को वहां से सुरक्षित निकालने वाला शख्स यही खलील हक्कानी था, जिसके बाद से ही खलील अमेरिका की नजरों में खटकने लगा और अमेरिका के हिट लिस्ट में नंबर 1 का आतंकी बन गया। अफगानिस्तान में तालिबान के बाद दूसरा सबसे ताकतवर आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का फंड राइजर खलील हक्कानी बेखौफ होकर काबुल की सड़कों पर घूम रहा है, मस्जिदों में मजमा लगा रहा है और तेजी से अफगान युवाओं को अपने संगठन में भर्ती कर रहा है। 2 दिन पहले ही उसने काबुल की पुले खस्ती मस्जिद में करीब 100 लोगों को तालिबान के लिए वफादारी की शपथ दिलाई। पंद्रह अगस्त को काबुल पर कब्जा करते ही तालिबान ने राजधानी को चलाने के लिए और काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कमान खलील हक्कानी के हाथों में सौंप दी। काबुल का नया सुरक्षा प्रमुख नियुक्त होते ही खलील हक्कानी ने अपने लड़ाकों के साथ काबुल की सड़कों पर जमावड़ा लगा दिया और काबुल हवाई अड्डे में घुसने और बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिए। इन दिनों काबुल एयरपोर्ट के चारों तरफ सैकड़ों चेक पोस्ट इसी हक्कानी नेटवर्क के हैं। सिर पर 37 करोड़ का इनाम लिए घूम रहा ये आतंकी काबुल में प्रशासनिक फैसले ले रहा है, बैठकें कर रहा है और हुकूमत कर रहा है। खलील ने ही हाल ही में डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला और हामिद करजई से मुलाकातें की। हक्कानी नेटवर्क के हाथों में काबुल की कमान आते ही पाकिस्तान अब ये सुनिश्चित कर रहा है कि उसके वफादार तालिबान कमांडरों को सरकार के साथ सेना के शीर्ष पदों पर बैठा दिया जाए। नतीजतन अफगान नागरिकों को इस चिंता ने घेर रखा है कि अफगान सरकार अब काबुल से नहीं बल्कि इस्लामाबाद से चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें काबुल धमाके पर अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति का बयान आया। उन्होंने कहा तालिबान ISIS के एक ही हैं। अमरुल्ला साले, आपको बता दें उन्होंने ये बात कही है, सबूतों से साफ होता है कि ISIS के की जड़ें अफगानिस्तान में है और इसके साथ ही काबुल की सरजमी से आतंकी वारदातें को अंजाम दिया जा रहा है, ये बात अमरुल्ला साले ने कही है। सादी कहा तालिबान ने क्वेटा में बैठे अपने आकाओं से सीख लिया है। काबुल ब्लास्ट, आतंकी गुटों के वर्चस्व की जंग। आतंकी पालने वाले को मारेगा आतंकी। अब तहरीक बनेगा पाकिस्तान का भस्मासुर। मुल्ला बरादर ने अमेरिका से डील करके पाकिस्तानी आतंकियों की मदद से अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वहां से ISIS को खदेड़ने की हुंकार भरना उसे भारी पड़ गया। 2 दिन पहले ही तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने सीना ठोक कर कहा था कि अफगानिस्तान की धरती से ISIS को मिटा दिया जाएगा, लेकिन ISIS ने सीधे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आत्मघाती हमले करके तालिबान को अपनी ताकत दिखा दी।
आईएसआईएस ने अफगानिस्तान में अपने 1000 खूंखार आतंकी भेजे हैं। इसमें शामिल सुसाइड दस्ते के आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट पर कहर बरपा कर ये जता दिया कि बरादर और उसके अमेरिकी वरदहस्तों से उन्हें कोई खौफ नहीं है। दूसरी तरफ अब अमेरिका को डर लग रहा है कि कहीं तालिबान पाकिस्तान को अस्थिर करके परमाणु हथियार न हासिल कर ले। अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा के 68 सांसदों ने बुधवार को बाइडेन को पत्र लिखकर अपनी आशंका जताई है कि तालिबान परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान को अस्थिर कर सकता है और पूछा है कि इसे रोकने के लिए बाइडेन प्रशासन के पास क्या योजना है। दरअसल काबुल ब्लास्ट सिर्फ अफगानिस्तान का मसला नहीं बल्कि अब दुनिया भर में इस आतंकी वर्चस्व की जंग को लेकर आशंका तेज हो गई है। लेकिन आतंकिस्तान के आका को ये बात समझ नहीं आती और अब भी वो अपनी पाक सेना और तालिबान की जीत के भ्रम में डूबे हैं। देनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। गुड और बैड टेररिज्म के जाल में उलझे इमरान, जिसे गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाला बता रहे हैं, जिसे उन्होंने कैसे पाला पोसा और उनकी पाक सेना ने ट्रेंड किया, इसका कबूलनामा भी वो कर चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई ट्रेन्ड अलकायदा एंड ऑल दीस ग्रुप्स टू फाइट इन अफगानिस्तान। देयर वर ऑलवेज लिंक्स बिटवीन पाकिस्तान, देयर हैड टू बी लिंक्स बिकॉज़ दे ट्रेन्ड देम। लेकिन आतंकिस्तान के आका को ये इल्म नहीं कि जैसे तालिबान पर अपने वर्चस्व के लिए आईएसआईएस ने काबुल में हमला किया, वैसे ही अब पाकिस्तान अपने पाले पोसे अफगान तालिबान के बिरादर तहरीके तालिबान के टारगेट पर है। या फिर बारूद की ढेर पर बैठे इमरान अपने डर को तालिबानी जीत की खुशी में छिपा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये भ्रम तहरीके तालिबान भस्मासुर बनकर तोड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।